यस बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। रास्ते तो बेटा दूसरे दिए तो मैम वेडनेसडे थोड़ा टेस्ट है। सांझी कंध चैप्टर दे वन मार्क्स क्वेश्चन ते मुहावरे उड़ा पा। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट दा क्लास भी ऑनलाइन होएगा, नाल ही सेंड ही किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड ते लिखना है, नाल ही ऑनलाइन वाले स्टूडेंट करेंगे ते ऑफलाइन वाले क्लास ही करेंगे। ठीक है, सांझी कंध ते मुहावरे कि हुण आपां बेटा मुहावरे मुहावरे करांगे। पूरा भाग ते ऐड़ा भाग, पूरा ते ऐड़ा भाग मुहावरे दा बेटा तानू एग्जाम दी पहले दा मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मुहावरे दा की मीनिंग है। ठीक है, दूसरा मुहावरे दे अग्गे तुसी 7 8 तक करदे आयो कि मुहावरा दित्ता हुंदा सी, तुसी ओहदा अर्थ ते सेंटेंस बनांदे सी, पर 9th 10th दे विच मुहावरे दा अर्थ ते वाक तां नहीं है। एक है अर्थ का मुहावरा, ठीक है, ऊपर लिख लो। एक तो मुहावरे का अर्थ आएगा, ठीक है, दूसरा मुहावरे का वाक नोट करो नाल नाल, तीसरा अर्थ का मुहावरा, फोर खाली थां। ठीक है, या मुहावरा पूरा करो। एक है मुहावरे, ठीक है, मुहावरा कहते कि है, ठीक है, मुहावरे की परिभाषा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आने क्लियर है? मुहावरे का मीनिंग पहला पहला अर्थ लिखा, मुहावरे का अर्थ सेकंड, फिर जो मुहावरे दिखे उड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा, थोड़े सिलेबस विच 5 तरह के है, उड़ा भाग ऐड़ा सारे ईड़ी दे सारे ससे दे हाए दे सारे, 5 तरह के मुहावरे का अर्थ जो सिंपल करते आए हो। ठीक है, 8th स्टैंड तक मुहावरे का वाक भी तुसी कीता है, अर्थ का मुहावरा ओहदा मीनिंग दिता होगा, तुसी मुहावरा लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। देन 4th है खाली थान, ब्लैंक्स भरो या मुहावरा पूरा करो। एक वर्ड दिता होगा या दो वर्ड दिते होंगे, मुहावरे नूं पूरा करना। ठीक है, देन है फिर मुहावरे का मीनिंग की है, अर्थ की है। ठीक है, सब तो पहला असीं मुहावरे का अर्थ करांगे, मीनिंग मुहावरा कहिंदे किहनूं है। ठीक है, तुसीं नाल अपनी फेयर नोटबुक ए वाला लिखना है, मीनिंग हुण दस ते कर लो। ठीक है, ते फेयर ते तुसीं किस तरह करोगे बेटा, इस गल का भी ध्यान रखना है जदों तुहानूं अर्थ का मुहावरा आएगा। ठीक है, तो तुसी ये देखना ना, पहला वर्ड है पहला अक्षर या तो ओहदा उड़े तो होवे या ऐड़े तो या ईड़ी सस्से हाए तो, नहीं कक्का कक्का वाला सिलेबस नहीं है, मतलब ओहदा पहला वर्ड थोड़ा कक्के तो शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाहे तक है थोड़ा 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लियर है सारी गल, क्लियर है बेटा सब नू, एनी डाउट अज तक? हुण लिखो मुहावरे का मीनिंग, लिखो मुहावरा लिखना ही चिंता, ए नोट कर लिया मुहावरा। मुहावरा कुछ शब्दों का समूह होता है, मुहावरा कुछ शब्दों का, मुहावरा कुछ शब्दों का समूह होता है, मुहावरा कुछ शब्द का समूह होता है जिदे शाब्दिक अर्थ कुछ होर होंगे, जिसके शाब्दिक मीनिंग दसी है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ कुछ होर होंगे, ठीक है, ते भाव अर्थ कुछ होर, शाब्दिक अर्थ मीनिंग है,
शब्द दे तोड़ तो अर्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यस बेटा, शाब्दिक का मीनिंग है शब्द दे तोड़ तो। ठीक है, भाव का मीनिंग, ओदा मीनिंग जिवे इट नाल इट खड़काना। ठीक है, मैं लिखा एक वर्ड लिखिया इट नाल इट खड़काना। ठीक है, मतलब इहदा शाब्दिक अर्थ की होगा एक इट दे नाल दूसरी इट नू बजा देना। ठीक है, ते दूसरा इहदा मीनिंग की है दसो, इट नाल इट तबाही मचाणी, भाव की तबाही करनी या तबाही मचाणी। ठीक है, भाव की जेड़ा तबाही करनी या तबाही मचाणी। ठीक है, तबाही मचाणी, वैसे तबाही करनी या तबाही मचाणी का मीनिंग है एदा की होगा भाव। ठीक है, भाव अर्थ बिल्कुल चेंज ना। ठीक है, ए की है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ मतलब एक इट ना दूसरी इट नु बजाना, ये हो गया शाब्दिक अर्थ। ठीक है, ओदा मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग की निकलिया निकी इतना इट बनाई तबाही मचाणी, या जिवे उंगल दिखाणी, मतलब ए फिंगर दिखाणी नी। ठीक है, दोष लाना। ठीक है, उंगल दिखाणी मतलब ओदा मतलब है नी किसी को आपा अपनी उंगल दिखाइए, फिंगर दिखाइए, एदा मीनिंग ओदा हो गया शाब्दिक अर्थ, किसी ने अपनी उंगल दिखाना। पर एदा भाव अर्थ की होएगा दोष दिखाना, भाव अर्थ। ठीक है, मुहावरा की है कुछ शब्दा दा, कोई गल, कुछ शब्दा दा समूह हुंदा है जिहदे शाब्दिक अर्थ कुछ हुंदे आ, भाव अर्थ कुछ। मीनिंग क्लियर सारी लाइन दा, हुण एक एक वर्ड दा मीनिंग क्लियर करता। ठीक है, शाब्दिक अर्थ कुछ होर है ते भाव अर्थ कुछ होर हुंदे हन। ठीक है, मुहावरिया दी वरतों आपां बेटा किसे नूं कोई गल समझाउण लई करदे हां। जो आपां दी किसी ने कोई चीज गल समझानी हो तेनों गुस्सा भी ना लगे। ठीक है, कोई गल समझानी है, ठीक है, इसे तरह गुस्सा भी नहीं लगे, आप कि वरतों करते हैं मुहावर। क्लीयर है मीनिंग, क्लीयर सारे क्लीयर। मुहावर अर्थ ना रिलेटिड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है मीनिंग ना रिलेटिड। ठीक है, हम मीनिंग तुम सारे क्लीयर, मीनिंग ना रिलेटिड एक अद्धा क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, ऐदा नहीं होता नेक्स्ट है। हुण असीं शब्द दे तो ते वर्ड दे तो ते मतलब इतना इट खड़काण दा मतलब है शाब्दिक तो इक इट ना दूजी नूं बजा बजा देना, इतना इट बजानी ओ शाब्दिक हो गया, भाव अर्थ उहदा मीनिंग कुछ होर निकलदा है। ठीक है, क्लियर है। हुण आपां उड़े भाव वाले मुहावरे करांगे ते सारिआं ने जो भी मैं मुहावरा बोलांगी ओहदे अर्थ नंबर पा के प्रोपर लिखणे। हाँ जी, लिखो फर्स्ट है। ठीक है, वाक सुन लेना सीधा ते अर्थ तुसी लिखने हैं रफ नोटबुक ते। उस्तादी करनी, चलाकी करनी, बोलना ने लिखना, सिर्फ लिखना। उस्तादी करनी, चलाकी करनी। ठीक है, जेड़े चंगे बच्चे कदे भी किसे नाल उस्तादी नहीं करते। सेकंड है उस्तरिया दी माला, औखा काम, बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। ठीक है, उस्तरिया दी माला औखा काम। उस्तरिया दी माला औखा काम, भारत दे विचों इंडिया दे विचों गरीबी हटाना या बेरोजगारी हटाना उस्तरिया दी माला दे बराबर है, भाव की ओ हट ही सदी। हाँ, ओ मीनिंग बाद च पुछणा, उन्हें स्पेलिंग पुछे सी ता, स्पेलिंग पुछे सी ता तो बिल्कुल। हाँ बेटा, भारत विचों गरीबी या बेरोजगारी नूं हटाना उस्तरिया दी माला दे बराबर है। नेक्स्ट है उसल वट्टे भन्ने, उसल वट्टे भन्ने। ठीक है, भाव की जिहड़ा कि बेचैन होना या पासे मारना, उसल वट्टे भन्ने पासे मारना। हुण कई बार बेटा असीं बीमार हुंदे आ, सिर दर्द हुंदा है या बुखार हुंदा है, सानूं दवाई लैण तों बाद भी नींद नहीं आउंदी। ठीक है,
ਪਾਸੇ ਮਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਭੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ नेक्स्ट है। हाँ, बुखार होन करके वो उसल वटे पान रहा है। नेक्स्ट है उंगल करनी। बुक दे विच तोम वेट बेटा, बुक दे विच तोमर लाना लिखा है, जुई ने तोमर लाना ही आएगा। और जिवे तुहानू अर्थ दा मुहावरा भी आना है, इस करके इहदा एक होर अर्थ हुंदा है दोष लाना, वो भी लिख लो। उंगल करनी उसल वटे भरना बेटा, भरना लिखा हो इधर पासे मारना। हाँ, दस लिखा लेंगे बेटा। उंगल करनी दा एक अर्थ है दोष लाना, दूसरा है तोमद लाना। बहुत तेज बुखार होन करके वो उसल वट्टे भन रहा है या भर रही है। हाँ, तोमद लानी, तोमर लानी भी हो सकता है, एदा दोष लाना भी हो सकता है, दो अर्थ है, दोनों लिख लो। तोमर लानी, तोमर का मीनिंग होता है दोष। ठीक है, तोमर लानी या दोष लाना, क्लियर है। उंगल करनी हूं बेटा, तुहाडा एक काम है, तुसीं जिहड़ा मुहावरा भी बोल रही हां उन्हें भी ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि सेम एक तुहानू अर्थ आना है, एक मुहावरा आना है, या दो अर्थ आणगे, दो अर्थ दे मुहावरे लिखने आने, इस करके दोनों नू अपने माइंड च जरूर रखना। ठीक है, ऐ नहीं खाली अर्थ ठीक है, मुहावरा भी ध्यान नाल सुनना है, ताही तुसीं उहदा अर्थ दा मुहावरा लिखोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है उंगला ते नचाणा, भाव कि किसे वल्लों अपनी मन मर्जी नाल काम कराणा। उंगला ते नचाणा किसे नू अपने वस विच करके या किसे तो अपनी मर्जी अनुसार काम कराना, दो मीनिंग क्लियर। अपने इशारिया ते काम कराना अपनी मर्जी अनुसार, एक मिनट, उंगला ते नचाणा अपनी मर्जी अनुसार काम करवाना या किसे नू वस विच करके, किसे नू वस विच करके अपनी मर्जी अनुसार काम कराना। बोल दी बेटा, बोल दी। अजकल कोई सोखा काम नहीं है। ठीक है, अजकल दे समय दे विच चेक कर लियो, अजकल दे समय दे विच किसे नू भी उंगला ते नचाणा सोखी गल नहीं है, सोखा काम नहीं। नेक्स्ट है उग सुख ना मिलनी, मैं लिख रही हूं बेटा उग सुख ना मिलनी, भाव की किसे दा पता ना लगना, या सिंपल एक पता ना लगना। उग सुख ना मिलनी, पता ना लगना, हम कोई भी मतलब कई मेंटली कंडीशन या कोई जेड़े कि गुमशुदा, ठीक है, गुमशुदा होंगे ना, गुम जाते ओनू कहते हैं, उग सुख ना मिलनी पता ना लगना। हाँ, पता ना लगना, ये लिखा पता ना लगना। ठीक है, चोर ने पुलिस नू लभन की बहुत कोशिश की पर उसका कोई भी उग सुख ना मिलिया, और पुलिस ने चोर नू पुलिस ने चोर नू बहुत लभन की कोशिश की पर उसका कोई भी उत्सुक ना मिलिया। एक है उजाड़ होना, ओदो मतलब है बिल्कुल सुनसान होनी। एक है उजाड़ मलनी, यह ध्यान रखना है, उजाड़ मलनी भाव की फकीरी धारण करना, फकीरी धारण, फकीर का मतलब है घर बार त्याग के, ठीक है, जंगला भी जाके भक्ति करना। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने समझाया कि
ठीक है। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि उजाण मलन का कोई लाभ नहीं, घर विच ही रह के तुसी परमात्मा की भगती करो, ठीक है। फकीरी धारण करते घर विच ही रह के भगती करो, मेरा घर बार त्याग के साधुओं के कपड़े पा के जिहड़ा की है बाहर जाके भगती करते हैं। नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी ने समझाया कि उजाण मलन का कोई लाभ नहीं, घर विच ही रह के भगती करो, रब का नाम लो। नेक्स्ट है उठन बैठन होना, उठन बैठन होना मतलब मेल जोल होना, उठन मैलथन होना मेल जोल होना, दोस्ती होनी जिवे, ठीक है। सानू हमेशा चंगे बच्चियां नाल ही उठन बैठन करना चाहिदा है, उठन बैठन होना मेल जोल होना, सानू हमेशा चंगे बच्चियां नाल ही अपना उठन बैठन करना चाहिदा है। हाँ मेल जोल बोल आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सुनो बेटा ध्यान, उड़ उड़ के पैना, उड़ उड़ के उड़ उड़ के पैना हमारे गुस्से में होके या अग्गे अग्गे होके गुस्से नाल गल करनी या अग्गे अग्गे होके गल पैना, अग्गे अग्गे होके गुस्से नाल गल करनी, कुछ नौजवानों की या कुछ बच्चों की आदत होती है कि छोटी जी गल ते या निक्की जी गल ते उड़ उड़ के पैंदे हैं, ते सानू जेहे बच्चों तो दूर रहना चाहिए है। नेक्स्ट है उम्र भर दियां रोटियां कमाणियां, मतलब काफी पैसा कमाना या काफी धन कमाना, उम्र भर दियां पूरी जिंदगी दियां रोटियां कमाना भाव की बहुत धन या बहुत पैसा कमाना, उम्र भर दियां रोटियां कमाणियां बहुत पैसा कमा लेना या बहुत धन कमाना, ठीक है। पढ़ लिखन तो बाद, पढ़न लिखन तो बाद पकाणियां, पढ़न लिखन तो बाद ओदी बहुत वधिया नौकरी लग गई, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करन तो बाद ओदी बहुत वधिया नौकरी लग गई तो उन्हें उम्र भर दियां, हाँ, या कुछ ही समय दे, ठीक है, कुछ ही समय में चोरी उम्र बहुत वधिया नौकरी लग गई तो उसने उम्र भर दियां रोटियां कमा लिया। नेक्स्ट है उंगल भरना, बेटा एक है उंगल करनी, ठीक है, दोष लाना, एक है उंगल भन्नना, ठीक है, उंगल भन्नी भन्नी तोड़नी, आकड़ भन्नी आकड़ तोड़नी, उंगल भन्नी आकड़ भन्नी, उंगल भन्नी मतलब की है आकड़ भन्नी, ठीक है, उंगल भन्नी आकड़ तोड़नी आकड़ भन्नी, ठीक है। वो काफी दिनों तो मेरे नाल बहुत गलत ढंग नाल बोल रहा सी, ठीक है, अज मैं उसनू जवाब दे के पढ़न लिखन तो बाद चंगी नौकरी लग गई तने उंगल भर दी रोटियां कमा बहुत पैसा कमाना, उल्लू बोलने उजाड़ होना, ठीक है, उल्लू बोलने उजाड़ होनी, गर्मिया दे दिना दे विच दोपहर दे समय सड़कां ते उल्लू बोलते हैं, ठीक है, दोपहर मतलब कोई घरों बाहर निकलता या गर्मिया दे सड़कां ते उल्लू बोलते हैं। नेक्स्ट है ऊंट दे गल टल्ली, ऊंट कैमल, ऊंट दे एक है ऊंट दे गल टल्ली, एक है ऊंट दे गल जीरा, ऊंट दे गल टल्ली दा मीनिंग है बे जोड़ मेल, जिदा कोई मेल नहीं है, बे बे पाके जोड़, ठीक है, बे जोड़ मेल, ठीक है, बे जोड़ मेल भाव की जिदा आपस कोई मेल नहीं। पढ़े लिखी लड़की दे नाल एक अनपढ़ लड़के दा ब्याह करना बे जो ऊंट दे गल टल्ली दे बराबर है,
ठीक है, कुड़ी पढ़ी लिखी है या मुंडा पढ़िया लिखा है, ठीक है, ओ की है ऊर दे गल टली है, एक है ऊर दे गल जीरा, जो जीरा आएगा और आएगा मतलब ज्यादा खान वाले, ज्यादा खान वाले थोड़ा या देना, ठीक है। नेक्स्ट है अगला ही है ऊर दे पढ़ी लिखी लड़की दे नाल अनपढ़ लड़के दा व्याह करना ऊर दे गल टली दे बराबर है, बेजोड़ मेल। नेक्स्ट है ऊट दे मुंह जीरा, ऊट दे मुंह, ठीक है, ऊट दे मुंह जीरा मतलब बिल्कुल छोटा ही होगा, मतलब ज्यादा खान वाले नु थोड़ा जिया देना, ऊट दे मुंह जीरा ज्यादा खान वाले नु थोड़ा देना, ठीक है। ओ ता बड़ा वड्डा पहलवान है, ओ ता 10-10 रोटियां इक्को समय खा लैंदा है, पर सिर्फ ठीक है उसकी मां ने सिर्फ उसनु 2 फुलके दिते तेरा हिसाब है, ठीक है, ऊट दे मुंह जीरा देन दे बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है उल्लू सीधा करना अपना मतलब करना, उल्लू सीधा करना अपना मतलब करना। अजकल दे जमाने दे विच स्वार्थी मित्र अपना उल्लू सीधा ही करते हैं, ठीक है, अजकल दे समय दे विच स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा ही करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है उल्लू बनाना, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना, अजकल दे समय दे विच किसे नू भी उल्लू बनाना सौखा काम नहीं है। नेक्स्ट है अजकल दे समय दे विच किसे नू भी उल्लू बनाना सौखा काम नहीं, अजकल दे समय विच किसे नू उल्लू बनाना सौखा काम नहीं। नेक्स्ट पिछला सी अपना उल्लू सीधा करना मतलब करना। नेक्स्ट है 19-21 दा फर्क, 19-21 दा फर्क थोड़ा फर्क घट फर्क मामूली फर्क तिन्ने आ सकदे है, थोड़ा फर्क घट फर्क मामूली फर्क, ठीक है, दोनों भैन भरावां दे विच 19-21 दा फर्क है, ठीक है, 19-21 दा फर्क थोड़ा फर्क। नेक्स्ट है नेक्स्ट है उच्चा नीवा बोलना, अरे बेटा 2 अर्थ है, नेक्स्ट है सुना उच्चा नीवा बोलना बोल कबोल बोलने या ताने मेरी माने, बेटा दोनों हाथ लिख लो, उच्चा नीमा बोलना बोल कबोल बोलना नहीं या ताने मेरे माने, चंगे बच्चे कदे भी किसे नू उच्चा नीवा नहीं बोलते। बेटा कल थोड़ा वेडनेस डे टेस्ट है, सांझी गांधे वनवास क्वेश्चन ते मुहावरे उड़ा पा, मुहावरे परसों वेडनेस डे मुहावरे का अर्थ भी आना है, अर्थ सिर्फ उड़ा पा, अर्थ का मुहावरा वाक बनाओ जे मुहावरा पूरा करो, मुहावरा पूरा करो किस तरह आएगा, जिवे उल्लू डैश ऊर दे मुंह डैश ऐसा।